नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक्सेल में पे स्पेशल के दौरान जो ऑप्शन बचे थे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ट्रांसपोज और स्किप ब्लैंक ऑप्शन कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ आप देखोगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिया है जिसके अंदर कुछ बच्चों के मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के, और यहाँ पे उनका टोटल दिखा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर अभी जो ऑप्शन मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। आज जो ऑप्शन मैं करवाऊंगा दोस्तों, उसमें ऑपरेशन के जो ऑप्शन है उसमें आपको डिवाइड, एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्ली, स्किप ब्लैंक और ट्रांसपोज, तो ये होते क्या है दोस्तों। इसको समझने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आप यह मान के चलो कि आप किसी भी यहाँ पर बच्चों के सब्जेक्ट के अंदर आप चाहते हो कि हर बच्चे के अंक यहाँ फिजिक्स के अंदर 5 इंक्रीज हो जाएं, तो आप यहाँ पे एक बार 5 टाइप कर लीजिए, उसके बाद आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप जिस रेंज को ऐड करना चाहते हो इन नंबरों से उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी आप स्पेशल में जा सकते हैं, वहां पे चले जाइए और वहां पर आप ऐड का बटन क्लिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। आप देखोगे कि यहाँ पे नंबर उनके चेंज हो जाएंगे, जैसे अभी सबसे ऊपर 68 है, सबसे नीचे 58 है। तो जैसे ही ऐड करके आप ओके करते हो, देखोगे दोस्तों कि ऊपर जो फर्स्ट नंबर थे वो 73 हो चुके हैं और सबसे नीचे है जो वो 63 हो चुके हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहो कि हर बच्चे के 8 नंबर कम हो जाए तो आप यहां से सिलेक्ट करके सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर जिस रेंज के ऊपर आपने ये अप्लाई करना उसको सिलेक्ट करके पे स्पेशल कीजिए और यहां से सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो जितने भी बच्चे थे सभी के 8 नंबर कम हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इस संख्या से और डिवाइड भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर दोस्तों आप चाहते हो कि इनके अलग अलग नंबर कम हो, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है उसके 8 नंबर कम या ज्यादा हो, सेकंड है जो उसके 12 नंबर, थर्ड के हैं जो उसके 15 नंबर और जो सबसे लास्ट है इसके भी आप 15 नंबर चाहते हो कि कम या ज्यादा हो, तो मैं यहाँ से कम के लिए अप्लाई करता हूँ, इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और उसी तरीके से उस रेंज को सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आप देखोगे सभी के नंबर उसी रेशियो में कम हो चुके हैं जो हमने यहाँ पर दी थी। तो इस तरह से दोस्तों, आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन का ऑप्शन यूज कर सकते हो। उससे नेक्स्ट दोस्तों, जो पे स्पेशल के अंदर में ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्किप ब्लैंक और ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलता है। तो उसके लिए दोस्तों, मैं दूसरी सीट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ रिकॉर्ड लिया है जिसमें कि कुछ नाम्स हैं, कुछ उनके एड्रेस हैं और कुछ उनके कॉन्टेक्ट नंबर है जिसकी एक टेबल तैयार की गई है। कुछ समय के पश्चात दोस्तों, यह हम मान के चलते हैं कि इनमें से कुछ मोबाइल नंबर हैं जो वो चेंज कर दिए गए हैं और जो चेंज नंबर है हमारे दोस्तों उनको हम अपडेट कर देते हैं साइड में। तो यहाँ आप देखोगे दोस्तों, जो कुछ एड्रेस थे जो पहले, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो सोहन, ये पहले हिसार में था, अभी इसको हमने एग्रोहा में शिफ्ट कर दिया है, और जो अनिल पंचकुला था ये पानीपत शिफ्ट हो चुका है, और जो यहाँ पे प्रवीण था लखनऊ में वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुका है। अब हम इनको, यह छोटी लिस्ट है, यहाँ पे 3 ही है तो बड़े आराम से कर सकते हैं इनको कॉपी पेस्ट के माध्यम से, लेकिन अगर यह लिस्ट हजारों की संख्या में हो तो उस समय आप इसको कैसे यूज करोगे, उसके लिए हम यहाँ पे स्पेशल स्किप ब्लैंक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं पेज स्पेशल के अंदर का। तो कैसे वह काम करता है आप ध्यान से देखिए, इसकी मैं कॉपी करके रख लेता हूं ताकि आपको बाद में भी पता लगे डिफरेंस का। तो इसको मैंने यहां पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया है और जो ये कॉलम था इसकी यहां पे मैंने विड्थ बढ़ा दी है।
अब दोस्तों मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट करता हूं जो कि अपडेट है और यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं और इस लिस्ट को मैं यहां पर पेस्ट करूंगा। कैसे? पेस्ट स्पेशल की मदद से। लेकिन यहां पे जो ब्लैंक ऑप्शन है इस लिस्ट के अंदर उसको खाली छोड़ने को बोलूंगा। तो जैसे ही ओके प्रेस करता हूं दोस्तों आप देखोगे जो यहाँ पे था सोन का अभी यहाँ पे अग्रोहा हो चुका है जो पहले यहाँ पे हिसार था और जो यहाँ पे अनिल का पानीपत हो चुका है जो पहले पंचकुला था और प्रवीण का यहाँ पे चंडीगढ़ हो चुका है जो पहले लखनऊ था। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपकी हजारों की संख्या में भी डाटा है चाहे उसमें आप मोबाइल नंबर है या आपका कॉन्टैक्ट की डिटेल है या आपके होम की डिटेल है या ईमेल आईडी वगैरह जितना मर्जी डाटा है आप उसको एक क्लिक में अपडेट कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए और ये सेल भी मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अभी आप ये फील्ड देख पा रहे हो मैंने सबसे ऊपर नेम यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा नेम यहाँ पे आए उसके बाद यहाँ से राम सोहन इस तरह से आए उसके नीचे यहाँ एड्रेस आए जहाँ पे उनके सिटीज के नाम आए और थर्ड कॉन्टेक्ट नंबर है जो वो यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे उनके जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल है वो आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं ट्रांसपोज। तो हम इस लिस्ट को कॉपी कर लेंगे कॉपी का बटन दबाकर या आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हो और जहां भी आप इसको ट्रांसपोज करना चाहते हो वहां पे जाइए क्लिक कीजिए राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल कर लीजिए और यहां से इसको ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे दोस्तों यहां पे सबसे जो आपका डाटा यहां पे था वो अब रिवर्स फॉर्म में जैसे आप पहले होरिजेंटल आपको नाम एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहे थे अब वो वर्टिकल चेंज हो चुके हैं और जो आपके नाम होरिजेंटल थे ये एड्रेस ओरिजेंटल थे या कॉन्टेक्ट नंबर वो भी अब वर्टिकल। पहले जो वर्टिकल थे नेम एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर वो अब ओरिजेंटल हो चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रांसपोज को यूज कर सकते हो। ये था दोस्तों आज का वीडियो जो मैंने आपको सिखाना था पेस्ट स्पेशल के अंदर। तो पूरा पेस्ट स्पेशल दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई आपकी क्यूरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।